हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो पायल्स पनोरमा। सुबह सुबह घर के कामों में लग गई हूँ। कल रात को ढेर सारा कपड़ा मैंने धोने के लिए दिया है, तो यही सब निकाल रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन तक आप लोगों को मालूम ही है कि मेरी वॉशिंग मशीन सेट नहीं हो रहा था, तो फाइनली लास्ट थर्सडे को वो हुआ था। ये जो आज ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है। ये एक्चुअली लास्ट वीक के कुछ क्लिपिंग्स मेरे पास रह गए। नई जगह पे सब कुछ सेट करने का भी एक वीडियो होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए मेमोरीज़ है। ये भी मेरे शुरुआती दिनों में, चेन्नई के शुरुआती दिनों पे, ये सब भी मेरी जर्नी का ही एक हिस्सा है। तो इस यही सोच के मैंने ये सारे जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स मेरे पास रह गए, उन सबको एक जगह करके मैंने सोचा कि उन्हें आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। एंड आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। अगर मेरा कंटेंट या फिर मेरा ये दिन भर की जो भी काम बातें बकबक आप लोगों को अगर अच्छा लगे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ कपड़े मैं सूखने के लिए भी छोड़ रही हूँ। तो आज है फ्राइडे, यू कैन से इट लाइक कॉल इट वीकेंड। तो आज इवन मैं ऑफिस से चला गया है, लेकिन आने के बाद एक लॉन्ग वीक ऑफ। हर वीक में ही अभी ये रह रहा है, सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी। तो लास्ट टू वीक से तो कैसे कैसे ये चला जा रहा है मालूम नहीं है, क्योंकि घर के काम, ये सही करना, वो सही करना। आई थिंक कल भी हमारा वैसा ही जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें जगह पे रखना बाकी है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे स्टोरेज बहुत सारे दिया हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल कारी हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक चेयर या फिर लैडर कुछ भी इंतजाम नहीं किया है। तो वहां तक पहुंचना हम दोनों के लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जो भी खाली खाली स्पेसेस थे मैंने अलग अलग कर करके थोड़ा थोड़ा रखा है, और बाकी जो भी सामान है उसको मुझे ना ये ऊपर रखना है, या तो इस रूम पे या फिर उस रूम पे। फिर भी थोड़ा बहुत जगह बचेगा, लेकिन एक्चुअली ना मैं हाथों के सामने ही पहले से रख के उस जगह को मतलब बर्बाद नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर पहले से ही वो जगह पे सेटल हो जाए, सेटल कर दूँ, तो फिर मेरे लिए हेडेक कम होगा। तो एटलीस्ट हमको एक चेयर तो लाना ही पड़ेगा। अब देखती हूँ कि क्या होता है, इसी बारे में सुबह सुबह बात भी हो रही थी मेरी और हिरमय की। सो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। जब से हम आए हैं तब से यही बेडशीट पे हम सोई जा रहे हैं, तो अभी फाइनली हमको लगा कि नहीं, और नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे और हिरमय दोनों को ही ना हफ्ते या 10 दिन में बेडशीट चेंज करना मांगता है। क्या करें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारा काम हो गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था सारे भगवान जी को अपने जगह पे सेट करना। वैसे भी ये हमारे हिसाब से परमानेंट तो जगह नहीं है उनका, लेकिन परमानेंट जगह बनने में थोड़ा सा टाइम वक्त हमको लग ही जाएगा, तो इसीलिए फिलहाल यही पे इन सबको बिठाया है। और ये ना एक्चुअली हमारी पुराना एक बुक शेल्फ है, मतलब पुराना मतलब रामाकुंडम पे ये बुक शेल्फ है हमारा, वहाँ से हम लाए हैं। तो उसी के ऊपर हमने फिलहाल सबको ऐसे प्लेस किया हुआ है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से ना सिर्फ मेरे दो गणेश हैं वही बाहर थे, और बाकी सारे भगवान जी के जो भी मूर्तियाँ, जो भी फोटोज जो भी थे मेरे पास, जैसे शिव जी की मूर्ति, मतलब शिवलिंग जो बोलते हैं वो, गणेश जी का छोटू सा जो सबसे पहले मैं अपने घर पे बैठाई थी वो, फिर सब बाकी सब कुछ मेरा पूरा पैक था। तो फिलहाल थोड़ा सा फील गुड फैक्टर बोलता है ना वो है। शाम की दियाबाती कर लिया मैंने, और अभी जाके थोड़ी सी चाय पीते हैं और इन सबको ऐसे छोड़ देंगे फिलहाल। घर पे चाय पीने के बाद मैं और हिरणमय निकले थे चेयर की खोज में, लेकिन हमको पसंदीदार कुछ भी नहीं मिला। प्राइस बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी ख़राब थी। उसके बाद हम गए एक केक शॉप में। बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिलके बाहर केक ट्राई करने के लिए गए थे, एंड टेस्ट अच्छा था। मैं एकदम परफेक्ट या हम जैसे घर पे बनाते हैं, मतलब मुझे आता है, तो वो टेस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा था, ठीक ठाक था। मतलब हम बाहर बाद में भी ट्राई कर सकते हैं।
तो वही बातें यहाँ पे हो रही है। हमको अच्छा ही लगा क्योंकि हम वापस घर पे और दो ऐसे पेस्ट्री लेके भी आए थे, तो उसमें से एक चॉकलेट वाला था और एक वैनिला वाला। तो अभी फ़िलहाल रात को खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे एज अ डेजर्ट वही केक खा रही थी, मुझे बड़ा मन कर रहा था खाने का। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज हम नहीं उठ पाए हैं, आज है सैटरडे, आज हम लेट उठे हैं, लेकिन टाइम भी बोल टाइम अभी 10 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम जो बाकी के कार्टन्स है, कार्टून्स है, इसमें से जो भी सामान है, आज हमारा यही मोटो है कि सब क्लियर करना है, क्योंकि रूम पे एंटर करते ही ना ये एक स्मेल अजीब लग रहा है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आज जितना ज्यादा मात्रा में हो इसको रूम से बाहर निकालने का। यस, गुड मॉर्निंग। उल्टो लाइट होती है ना। नहीं तो गुड मॉर्निंग, अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत ही सिंपल, चूड़ा। क्या चूड़ा नहीं बोलते उसको, बोलते? पोहा बोलते हैं या चीरा बोलते हैं? नहीं, चीरा। चूड़ा भी बोलते हैं। चूड़ा मतलब तो वो जो चूड़ा चुरचुरा बोलते हैं ना, अच्छा, तो वैसा कोई वाला, पोहा होगा तो फिर वो अलग है। वो ओके। पोहा बोलते हैं या फिर बंगाली में चीड़े बोलते हैं। तो ठीक है, तो पोहा, सिंपल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और और अभी अगर लगना है काम पे, यस लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी ये जो टेबल है इसको निकाल दिया है और ये सारा मेरा साजू गुजू करने का सामान है, ये सब मेरे मेकअप का है, ये फिर मेरा ज्वेलरी बॉक्सेस भी है, ये वाला एक है सिल्वर ज्वेलरी का, बाकी में भी कुछ 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 है, वो बाद में शेयर करूंगी। और इसको इसको बाद में करेंगे ना, इसको ना अभी किचन में कर देंगे यूज। ए ভালো জামা কাপড়ের স্ট্যান্ডটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাঁ ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ ধোয়া জামা কাপড় তো পরে। তো ইসমে কুছ পর্দে হ্যায়, ইসকো ভি প্রপার লাগায়েঙ্গে। এই এইটাকে ওই বাই ওইটাতে করে দিলে হয় না? तो यहाँ पे हम दोनों का काम तो स्टार्ट हो चुका है और हम दोनों को ही ना, स्पेशली मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा भारी भरकम काम करते टाइम या कुकिंग करते टाइम गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई फील लाइक वो ना मुझे एनर्जी देता है, लाइक एनर्जी बूस्टर, वो बहुत इफ़ेक्टिव है म्यूज़िक मेरे लिए। तो इसीलिए पसंद के कुछ बंगाली सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स हम लगा के अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे थे और हम एंजॉय भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बस करना है तो कर रहे थे। बहुत छोटी छोटी सामान, छोटी छोटी यादें हम एक एक कार्टून से निकाल रहे थे और उसके बारे में ढेर सारी बातें कर रहे थे कि कैसे हमने वो चीज़, मतलब क्यों वो चीज़ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया और कहाँ से क्या हम लाए थे। सब मिला जुला के ही एक घर बनता है, तो वही सारी बातें हम कर रहे थे। तो हाँ चलो काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वापस बात करेंगे। People still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. और मैं और हिरण मैं भी निकल रहे हैं।
आज मैंने थोड़ा सा सच धज के निकलने का सोचा, क्योंकि रेगुलरली मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ और हेयरमैन मुझे बहुत डांट लगाता है, उसका फेस ऐसा हो जाता है। तो चलो निकलते हैं, और 7 बज रहे हैं। वैसे यहाँ पे जल्दी लौटने का उतना नहीं है। ये देखो हमारे पास पुराने ये क्या बोलते की रिंग का, ये था की रिंग ही बोलते इसको, ये था। तो जो पेयर रह जाएगा घर पे, मतलब एक पेयर में इसने लगा दिया, ये आज निकला है वो। एक्चुअली पुराना सारा सामान हम निकाल रहे थे तो उसमें से ही निकला। बाय द वे आप सबके साथ शेयर करना है कि हमने ये जगह कैसे सजाया है। ये रहा इसका लुक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद से मैंने जो फ्लावर ऐसे छोटे फ्लावर के जो लाई थी ना टब, वो 2 यहाँ पे रख दिया है। ये भी मैं हैदराबाद से लेके आई थी। अगर आप पुराने व्लॉग देख चुके हो तो मेरा सोलो ट्रिप था हैदराबाद का, वहाँ से ये भी मैं लाई थी चारमीनार गेट से, तो वो वाला यहाँ पे रख दिया है। ये एक फोटो फ्रेम है हम दोनों का वाइजैक टूर का। और ये जो रखा हुआ है ये है कैंडल, अभी तक मैंने जलाए नहीं है, तो इसको भी मैंने ऐसे यहाँ पे सजा दिया है। और ये है एक बंगाली पोएम का बुक, नहीं शरणजीत, हाँ एटा कवितार बुक है, तो इसको रखा है यहाँ पे। अब नीचे वाले हाँ शेल्फ में मैंने और एक कैंडल यहाँ पे वापस से रखा है। ये एक गिफ्ट है हिरन मैंने मुझे दिया था, ये जो लिखा हुआ है बेस्ट विशेज वाला, ये एक छोटी सी सोपीस है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये है हमारी शादी की तस्वीर। और ये भी 2 छोटे छोटे ऐसे सोपीस है। तो ये 2 सोपीस, ये सब चीजें ना मेरी रामागुंडम मेमोरीज है, तो आप बोल सकते हो वहां के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये सब देख के ही वो सब याद करूंगी और क्या। और इसके नीचे जो लास्ट शेल्फ है, इसमें मैंने अपने सारे फेवरेट बुक्स रखे हैं। ज्यादातर यहाँ पे बंगाली बुक्स ही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉवेल, स्टोरी बुक और पोएम, स्पेशली पोएम पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो ये सारे उसी के ऊपर बुक्स है। और यहाँ पे वापस और एक कैंडल, यहाँ पे हम देख सकते हो ये भी हमने हैदराबाद से लिया था। इसको डेकोरेट करके कुछ और भी बना सकते हैं, जब मेरा जैसा मन होता है मैं इसको सजाती हूँ। ये रामागुंडम से लिया था, अभी तक है मेरे पास। और ये कलरिंग बीड्स, ये मेरे पास एक्वेरियम था तो उसी के बीड्स है। और ये भी पुराना फ्लावर वास है एक, ये मैंने अपने हाथों से हाँ रामागुंडम पे घर से जाने के लिए सबसे पहला पेंटिंग मेरा ये था। और ये था शायद रामागुंडम पे लास्ट कुछ मैंने बनाया था, जिसको ऐसे फ्रेम किया था। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि लास्ट गणेश पूजा में, मतलब गणेश पूजा के दिन मैंने इससे डेकोरेट किया था। तो ये तो होम डेकोर शेयर करते करते मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही कॉमन है। आई थिंक आप सब भी इसके साथ अभी एडजस्ट हो ही गए होंगे। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन मिस हो ही जाता है। जो भी हो, तो हम फिर निकल गए थे और यहाँ पे हम एक कॉफ़ी पीने के लिए थोड़े से आए थे। तो इस तो शॉप का नाम है चेन्नई दरबार, और यहाँ पे हम कॉफ़ी पीते हैं और बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी होता है। और साउथ का ना ये एक स्टाइल है, स्पेशल स्टाइल। और आप सब सोच रहे होंगे कि फ़ोन का बैटरी डाउन रहा तो कैसे हो रहा है, तो ये मेरा जो दूसरा वाला एक फ़ोन है, उस फ़ोन से मैंने कुछ कुछ क्लिपिंग्स अपनी वीडियो, मतलब मैंने लिया था ताकि एटलीस्ट कुछ तो मैं शेयर कर पाऊँ। और उसके बाद हम गए थे एक सुपर मार्केट, पूजा सुपर मार्केट बोल के यहाँ पे है, और इसके अंदर मतलब जैसे जन्नत है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। तो यहाँ पे डेकोरेशन के सारे सामान, क्रिसमस ट्री से लेके ऐसे सेंटा क्लॉज, फिर बाकी जो कुछ भी चाहिए आपको डेकोरेशन पर्पज़, जो कुछ भी चाहिए होता है, संता का कैप, छोटे छोटे सो पीसेस, सब कुछ था। हम ये ख़रीदने के लिए नहीं गए थे इस बार। 25th of December हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। हर साल मैं रामागुंडम पे रहती थी, तो वहाँ पे मैं क्रिसमस ट्री सजाती थी एंड वी सेलिब्रेटेड देयर आल्सो। लेकिन इस साल हम कोलकाता में रहेंगे एंड आई होप कि
वहाँ पे कुछ करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, कुछ प्लान तो नहीं है। यहाँ पे घर के लिए कुछ सामान मैं और हिरन में देख रहे थे, ज़रूरत के सामान, और देखो मेरी फेस की हालत कितना टायरिंग दिख रहा है। सुपरमार्केट के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स छोड़ के भी बहुत सारे सामान थे, बर्तन थे, ग्लास या सेरेमिक के सेट, प्लेट्स, बहुत कुछ थे। सो इट्स ऑलमोस्ट 10, 10 से ज्यादा ही हो गया है टाइम। अभी मैं जाऊंगी किचन पे, अभी के अभी हम रूम पे पहुंचे, खरीदारी कंप्लीट हो गई है और बेडरूम की हालत है खराब, बाद में सही करूंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप सबके साथ शेयर करनी है, वो है कि रामागुंडम पे हम इतने दिन तक रहे, वहां पे इतने सारे पौधे थे, पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली थी, हमको थोड़ा सा भी मच्छर क्या है क्या नहीं है हमको कभी ये फील नहीं हुआ। यहाँ पे आके इतना ज्यादा मच्छर है कि क्या बताएं, और मतलब अगर नहीं भी काट रहा है ना तो भी हमारे मन पे जैसे बैठ गया है कि मच्छर है मच्छर है मच्छर है। तो पूरा दिन ऑल आउट जला के रहना मेरे और हिरणमय के लिए बहुत, मतलब हमको पसंद नहीं है, उस स्मेल से प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हम आज ये लाए हैं। फर्स्ट अरे थिंग इसका मैचिंग हो गया मेरा। ये चाहिए ही चाहिए, अभी हमको लग रहा है कि ये बहुत क्रूशियल हो गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, यस तभी इसका ही अनबॉक्सिंग कर रहा था हिरन में, तो वो बोल रहा है कि इसका भी अनबॉक्सिंग दिखा दो सबके साथ। हाँ, इसको पुट 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 करके दिखाओ थोड़ा। नहीं वो तो नहीं होगा जब तक ना इसमें कोई टच कर रहा है। अच्छा इसको कितने टाइम तक करना पड़ेगा, क्या बोला, 12 घंटा? हाँ बोला कि 12 घंटा पहले चार्ज देके रखने के लिए, फिर उसके बाद तो ही हम तो 12 घंटे में अगर इसके ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमको कैसे मालूम चलेगा? करो तब टेस्ट कर देखेंगे हम। करो उसमें करो ना। मनी अरे देखना सीखना। क्यों ओके ठीक है, बाद में देखा जाएगा। तो चलो हम चलते हैं किचन पे, वो अभी जा रहा है तो कालो बैग तो है, देख हिरणमय का जो बैग है ऑफिस में। तो हो रहा, ये तो सामने ही একটা, তুই ওটার উপরে ধরতে হবে। হ্যাঁ ওই তো যা কাজ হয়েছে, বাচ্চে কো খিলোনা মিল গিয়া হ্যায় ও উসকো খেলনে দো। অর এক ইম্পর্টেন্ট চিজ হাম লায়ে হ্যায় ও হ্যায় ডাস্টবিন, উসকে ইলাভা না হামারি হালত পাগল পাগল জেসা হো রাহা থা। হাম তিন ডাস্টবিন লায়ে, ইনসান হ্যায় দো অর ডাস্টবিন হ্যায় তিন, জো ভি হো, এক কিচেন কে লিয়ে অর দো ভি জরুরত কা থা, हाँ दो बाथरूम पे, हाँ एक बाहर के लिए और एक वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए। तो चलो अभी थोड़ा सा रात का खाना पीना देख लेते हैं। रात के खाने में आज एक्चुअली बनाने का मन है चने का दाल और उसके साथ पूरी। तो पूरी हमने पहले ही बना लिए थे और यहाँ पे चने का दाल बस थोड़ा मिक्स हो रहा था, और इसी के साथ हमारा सैटरडे नाइट सॉर्टेड हो गया और हम खाना पीना करके सो गए। ये जो वीडियो मैं ऐड कर रही हूँ ये है संडे लंच का, और ये इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग है कि क्या बताऊँ। संडे लंच पे था प्रॉन करी विथ नारियल एंड सरसों पेस्ट, बहुत ही यम्मी होता है, सारे बंगालीज को ये मालूम है। इसके साथ था कुछ छोटे जो फिश होते हैं ना, स्मॉल फिशेस, उसका फ्राई था। तो ये यम्मी लंच करने के बाद हम दोनों मिलके गए थे मेरीना बीच, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब अच्छे से रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना।